बहराइच से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां जिला के महाराजगंज बाजार में रविवार को मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद दो आरोपियों को पकड़ लिया गया और उन दोनों का एनकाउंटर कर दिया गया। फिलहाल दोनों आरोपी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दोनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे, जहां से उन्हें पकड़ लिया गया। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है बहराइच से, जहां बहराइच हिंसा से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है कि दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है और उनका इनकाउंटर कर दिया गया, जिसके बाद दोनों आरोपी घायल हैं। एसटीएफ ने मुख्य आरोपी सरफराज और तालिब को गुरुवार को नानापारा कोतवाली क्षेत्र से हांडा बसे गांव के पास से इनकाउंटर कर दिया और दोनों को गोली लगी। इसके बाद दोनों घायल हो गए और पुलिस उसे जिला अस्पताल लेकर जा रही है। एनकाउंटर के दौरान पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, जिसके बाद इन दोनों को पकड़ लिया गया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ये दोनों आरोपी जिनका एनकाउंटर किया गया और घायल बताए जा रहे हैं, ये दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे, जहां से दोनों को पकड़ लिया गया। ये दोनों ही वो मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी थी, और जो मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या की गई थी, उसमें ये दोनों मुख्य आरोपी बताए जा रहे थे। इसके बाद इन दोनों का एनकाउंटर कर दिया गया और दोनों घायल हो गए। इसके बाद दोनों को भी जिला अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद दोनों पुलिस की पकड़ में हैं।